आपके साथ राष्ट्रहित में आप सभी का स्वागत है। राष्ट्रहित में आज हम बात करने से पहले मुद्दों पर एक शेर मुझे याद आ रहा है, क्योंकि ये जो शेर है ये कुछ इसी से जुड़ा हुआ है कि मुझे छोड़ दे मेरे हाल पर, तेरा क्या भरोसा है डॉक्टर, ये तेरी नवाजिशे मुख्तसर मेरा दर्द और बढ़ा न दे। शकील बदायूनी साहब की ये लाइन है और क्षमा चाहूंगा इसमें चारागार में मैंने डॉक्टर को ऐड कर दिया, क्योंकि आज इसी मुद्दे पर हम बात करने जा रहे हैं कि डॉक्टर को इस धरती का दूसरा भगवान कहा जाता है। डॉक्टर रोगों का इलाज कर लोगों को एक दूसरा जन्म देता है, ये मानवता की सबसे बड़ी सेवा है। बीमार लोगों के लिए डॉक्टर ही आशा और उम्मीद होती है, परंतु कुछ दशकों में यह एक व्यवसाय के रूप में फैल चुका है। अगर आपको छोटी सी बीमारी हो जाए तो आपको अच्छा खासा पैसा खर्च करना पड़ता है। कई डॉक्टर पैसा कमाने के चक्कर में कई तरह के अपराध भी कर देते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि सबसे बड़ा डॉक्टर सबसे ऊपर बैठा है, जहां किसी का झूठ नहीं चलता, सबको अपने कर्मों का हिसाब करना पड़ता है। यह समाज दुनिया के तमाम डॉक्टर का सदैव ऋणी रहेगा जो सच्चाई और ईमानदारी से लोगों का इलाज करते हैं। डॉक्टर को अपनी यथाशक्ति में गरीबों की मदद भी करनी चाहिए। आप चाहे जितनी दौलत कमा लें, सब यही छूट जाता है। जो आप अपने हाथों से पुण्य करते हैं वही आपके साथ जाता है। और आज हम बात कर रहे हैं उन डॉक्टरों की जो इस पेशे को बिना डिग्री के अपना लेते हैं। ये डॉक्टर लोगों का इलाज करते हैं, या यूं कहें कि इलाज करने का प्रयास करते हैं। बिना डिग्री और अनुभव की वजह से ये कई लोगों की जान भी ले लेते हैं। अब बात करें, ताजा मामला कानपुर से है। कानपुर के बर्रा इलाके में स्थित आराध्या आई हॉस्पिटल के डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां पर अस्पताल के कैंप में मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने आए 6 मरीजों की आंख की रोशनी चली गई। बिल्हौर के बुफेरा गांव निवासी 18 लोगों की आराध्या हॉस्पिटल बर्रा में नेत्र कैंप निशुल्क बताकर लगाया गया था। इलाके के रहने वाले दुर्गेश शुक्ला सभी मरीजों को लेकर पहुंचे थे। हॉस्पिटल डॉक्टर नीरज कुमार और डॉक्टर अंशुल पांडे द्वारा 18 मरीजों के मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया गया। मरीजों का आरोप है कि ऑपरेशन से पहले उनकी कोई भी जांच नहीं कराई गई। बिना जांच किए ऑपरेशन करने से 6 मरीजों की आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली गई। तो सोमवार को कानपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आलोक रंजन के कार्यालय पहुंचकर मरीजों ने आराध्या आई हॉस्पिटल के डॉक्टरों के खिलाफ प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। सीएमओ ने सभी 6 मरीजों को कांशीराम हॉस्पिटल पहुंचाकर उनके इलाज की व्यवस्था की। इसके साथ ही सीएमओ ने मामले की जांच के आदेश भी दिए हैं। क्या कुछ सीएमओ ने कहा है आपको दिखा देते हैं। देखिए, 6 लोगों की आंखें बीरामऊ सूरजपुर ब्लॉक के रहने वाले थे। कल ही हम लोगों पे और सीएमओ साहब के जानकारी में आई थी बात, तो कल ही हम लोगों ने शाम को इनका लाइसेंस निरस्त तो नहीं निलंबित कर दिया अग्रिम आदेशों तक। आज हम लोग 3 सदस्यीय टीम, जिसमें मेडिकल कॉलेज के एक प्रोफेसर डॉक्टर शालिनी मोहन शामिल हैं, उनके द्वारा की गई। अभी हम लोगों ने मरीजों को बुलाया है मेडिकल कॉलेज में, 6 मरीजों की उनकी जांच वहां की जाएगी। उसके बाद दोनों जांचों को मिलाते हुए अस्पताल के और मरीजों क्या कारण है तो उसकी तो बाद में पता चलेगा, क्या कारण किस कारण से उनकी आंखें खराब हुई। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत इसको क्यों चुना गया था, क्या क्या खासियत थी इसकी हॉस्पिटल की जिसको मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए चुना गया? नहीं, ये हम लोगों के द्वारा जो कैंप परमिशन दी जाती है उसके अंतर्गत नहीं किया था, इन्होंने अपने चैरिटी के अंतर्गत किया है। हम लोगों ने कोई परमिशन इसके लिए नहीं दिया था, सीएमओ सर की तरफ से कोई भी परमिशन इनको कैंप करने के लिए ना ही इन्होंने अनुमति मांगी थी ना ही दी गई थी। तो इन्होंने अपने स्तर पे चैरिटी करने के लिए, चैरिटी के अंतर्गत ये 6 मरीजों का ऑपरेशन किया गया, साथ में अन्य लोगों का भी ऑपरेशन किया गया जो कि बिल्कुल स्वस्थ है। तो अब कहा जा रहा है कि मामले की जांच की जाएगी, और ये कानपुर बर्रा आराध्या आई हॉस्पिटल का मामला है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो कानपुर देहात के अकबरपुर कस्बे में एक छात्रा की देर रात तबियत बिगड़ी तो परिवार के लोगों ने झोला छाप डॉक्टर को दिखाया, इससे उसकी हालत बिगड़ गई। परिवार के लोग निजी अस्पताल उसे ले गए, वहां डॉक्टर ने छात्रा को मृत घोषित कर दिया। मृतक छात्रा प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही थी। तो अकबरपुर कस्बा निवासी संदीप द्विवेदी की बेटी नेहा बीटेक की छात्रा थी, जिसकी उम्र 22 वर्ष थी। ये प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही थी। रविवार रात को
उसको उलझन और घबराहट के साथ जी मचलाने लगा। सोमवार सुबह परिवार के लोग क्षेत्र के एक झोला छाप डॉक्टर को बुलाकर ले आए। उसने इंजेक्शन और कुछ दवाएं दी। इसे खाने के बाद नेहा की हालत और बिगड़ गई तो परिवार के लोग निजी अस्पताल लेकर पहुंचे। वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। नर्सिंग होम पंजीयन झोला छाप नोडल अधिकारी डॉक्टर एसएल वर्मा ने बताया कि छात्रा की मौत के बारे में जानकारी नहीं है। कस्बे में झोला छाप के बारे में पता लगाया जाएगा। अब सवाल उठता है कि ऐसे डॉक्टर के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती और जनता भी क्यों जागरूक नहीं है? वो ऐसे डॉक्टर के पास जाती ही क्यों है? क्या वजह है? प्राइवेट अस्पतालों में ज्यादा खर्चे की वजह से वो यहां पर जाते हैं या फिर सरकारी अस्पतालों से पब्लिक का भरोसा उठ गया है? आज राष्ट्रहित में हम इसी पर चर्चा करेंगे कि आज की इंटरनेट की आधुनिक दुनिया में तो हम पहुंच गए हैं, पर डॉक्टर को लेकर हम आज भी क्यों आधुनिक नहीं हो पा रहे हैं, इसी पर हम आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ राष्ट्रहित में तमाम लोग इस वक्त मौजूद है। हमारे साथ सोनू शर्मा संवाददाता, रईस अलवी संवाददाता संभल, तो हमारे साथ अमित पांडे संवाददाता रसूलाबाद कानपुर देहात से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और राहुल मिश्रा संवाददाता जुड़ेंगे, डॉक्टर एमसी मिश्रा पूर्व निदेशक एम्स हमारे साथ जुड़ेंगे, आलोक त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ राष्ट्रहित में जुड़ेंगे। तो पहला सवाल सोनू शर्मा से ही लेते हैं। सोनू, ये जो कानपुर की घटना है, जो आराध्या हॉस्पिटल की ये जो घटना है, इसके बारे में मैं जानना चाहूँगा, अभी तक क्या कुछ जाँच की गई है, क्या कोई मामला अभी इसमें निकल कर आया कि क्या वजह रही है जो छः लोगों की ये मोतियाबिंद के ऑपरेशन के दौरान उनकी आँख खराब हो गई? अनम्यूट कर लीजिए। सोनू शर्मा, शायद आवाज नहीं आ रही है। जी जी, आवाज आ गई मेरी? जी जी जी, हेलो जी सोनू जी, आपको बताया ये पूरा मामला कानपुर के साउथ में बड़े बड़ा में आराध्या हॉस्पिटल का है, जिसके डॉक्टर नवीन गुप्ता एमबीबीएस एमएस है वो, और अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे कैंप लगा जो सीएमओ के एनसी पे कैंप लगा, और ये दो दिन से मामला, जब दो दिन पहले कुछ लोग बिल्लौर करने वाले बिल्लौर सिराज के वो लोग वहाँ पे सीएमओ के यहाँ गए और उन्होंने ये जानकारी दी कि कैंप में हमने मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया था। उसके बाद जैसे ऑपरेशन के बाद उनकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम होती गई और उन्हें दिखना बंद हो गया। इसके बाद जो कानपुर सीएमओ आलोक रंजन ने इस मामले को पूरा संज्ञान में लिया, उसका एक टीम गठित की, उस टीम के गठित करने के बाद आज आराध्या हॉस्पिटल में ये सीएमओ डॉक्टर सुबोध चौधरी पहुंचे, उन्होंने पूरी जांच पड़ताल की है और ये कहना है कि जांच कमेटी जो बनी है उसकी जांच कमेटी के बाद जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि जो जो ऑपरेशन किया गया वो डॉक्टर नवीन गुप्ता की देखरेख में पूरा किया गया। साथ ही आपको बता दें कि जिलाधिकारी कानपुर ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए जो हॉस्पिटल का लाइसेंस था उसको पूरी तरह उसे सस्पेंड कर दिया गया है। सवाल ये उठता है कि आखिरकार लापरवाही कहां बरती गई, जो छह लोगों की आंखों की रोशनी जो जो जिन्होंने बड़ी उम्मीद के साथ मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया था कि जो उनकी आंखों में कमी है जो है वो आगे बढ़े, लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही तो जरूर बरती गई है, जिससे करीब छह लोगों को पूरी तरह से दिखना बंद हो गया। जी जी बिल्कुल सोनू, तो छह लोगों को पूरी तरह दिखना बंद हो गया है, और हमारे साथ कानपुर देहात से भी अमित पांडे संवाददाता अभी जुड़ेंगे, अभी शायद जुड़े नहीं है, वो हमारे साथ जुड़ेंगे तो उनके पास भी हम जाएंगे। हमारे साथ डॉक्टर एमसी मिश्रा पूर्व निदेशक एम्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल आपसे है कि इस तरीके की चीज़ें क्यों आती है जब ये निजी अस्पतालों की स्वास्थ्य को लोग सुविधा नहीं दी जा रही है, लोगों का इलाज करने के नाम पर उनकी आंखें भी चली जा रही हैं। ऐसे बहुत सारे मामले आगरा में, ऐसे बहुत सारे मामले आए हैं जहां पर निजी अस्पतालों में इलाज के दौरान गर्भवती की मौत हो गई, ऐसे में बस्ती में ऐसे मामले आए, सुल्तानपुर में ऐसे मामले आए, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में, या यूं कहें इंदौर, मध्य प्रदेश में, झारखंड में, ऐसे तमाम देश के अलग अलग राज्यों में ऐसे मामले आ रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है और शर्म की बात भी है। अगर कोई लापरवाही इसमें हुई है वो तो जांच का विषय है, जांच में पता लगेगा, क्योंकि आजकल देखिए कोई भी आंख का ऑपरेशन भी होता है तो पहले पूरी जांच की जाती है आंख की, उसमें पता लग जाता है कि इसमें इनका जो दृष्टि है वो वापस आएगी या नहीं आएगी। बहुत सारी जांचें, बहुत आजकल आधुनिकीकरण हो गया है जो आंखों के इलाज का, तो इसमें यही देखना पड़ेगा कि ये जो अब इसमें ये भी नहीं हम कह सकते कि साहब ये झोला छाप डॉक्टर थे, ये तो क्वालिफाइड एमबीबीएस एमएस उनका अस्पताल है, तो ये बहुत मैं समझता हूँ
अनफॉर्चुनेट बात है, दुर्भाग्य है कि इन छह रोगियों की दृष्टि चली गई या पहले से उनमें कुछ समस्या थी, उसकी जांच क्यों नहीं पूर्ण रूप से की गई पहले से। तो ये आजकल कैंप में पहले भी ऐसा होता रहा है, हम लोगों को ज्ञात है कि जब कैंप लगते हैं तो ये तो हॉस्पिटल एनवायरनमेंट में किया है इन्होंने, उसमें तो इस तरह की कोई लापरवाही की मैं समझता हूँ प्रश्न नहीं होना चाहिए। अगर हुआ है तो वो जैसे सीएमओ साहब के जो रिप्रेजेंटेटिव बता रहे थे कि उन्होंने 3 सदस्यीय समिति बनाई है जो इस बात को देखेगी कि कितनी क्या लापरवाही किस स्तर पर हुई है, क्या ऑपरेशन में कोई बात हुई या पहले से आंख में कुछ समस्या थी, किस उम्र के लोग थे, क्या किसी को डायबिटीज भी थी या नहीं थी। तो ये सब जांच का विषय है, सामने आएगा, लेकिन छह लोगों की एक साथ हो जाना ये अपने में चौंकाने वाला है और ये बिल्कुल रोगियों के लिए तो बिल्कुल भी इसको नहीं एक्सेप्ट किया जा सकता। तो मैं ये समझता हूँ कि बिना पूरे विवरण के ये कहना मुश्किल है कि क्यों ऐसा हुआ। दूसरी बात आप जो एक सामने आई है कि आजकल जो जिनको हम झोला छाप कहते हैं या रेजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर टाइप लोग हैं जो क्वालिफाइड नहीं है, इंजेक्शन लगा देते हैं, उससे रिएक्शन हो जाती है, फिर वो ताला लगा के अपने उसमें भाग जाते हैं, तो ये भी हमारे यहाँ अभी भी चल रहा है। और ये इसमें आश्चर्य की बात ये है कि कानपुर जैसे बिल्लौर और ये सब कोई अब ऐसा बहुत भीहड़ इलाका नहीं है जहाँ पे सुविधाएं ना हो। और आँख का ऑपरेशन तो आज सामान्य ऑपरेशन होता है, कैटरेक्ट का आप देखिए मोतियाबिंद का ऑपरेशन सुबह आई 8 बजे 15 मिनट में ऑपरेशन हो जाता है, उसके बाद लोग घर चले जाते हैं। लेकिन कई बार कॉम्प्लिकेशन होता है, लेकिन अब कितने रोगियों का उन्होंने किया और कितनों में इन छह लोगों को दिक्कत हुई ये एक देखना पड़ेगा और किस वजह से हुई। क्या बाकी लोग जब ठीक हो गए तो इन लोगों में क्या समस्या थी जो इनकी दृष्टि चली गई। तो ये मैं समझता हूँ जब तक पूरी विवरण सामने नहीं आएगा ये कहना मुश्किल होगा कि ये क्या कोई लापरवाही का परिणाम था या कोई चीज प्रिवेंट की जा सकती थी, बचाई जा सकती थी, किसी वजह से नहीं बचा पाए, क्या कारण था। ये तो बिल्कुल डॉक्टर साहब ये जांच का विषय है और जांच के बाद ही सारी चीजें सामने आएंगी कि लापरवाही हुई है या फिर किसी गलत तरीके से इलाज हुआ, ये अभी कहा नहीं जा सकता, अभी इस पर कोई भी बात कहना सही नहीं होगा, ये भी आप सही कह रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब एक मेरा सवाल है, सवाल ये है चूँकि आप एम्स में रहे हैं और अच्छा खासा अनुभव आपके पास रहा है, चूँकि एम्स में अच्छा इलाज होता है वहाँ पे लोगों को, लेकिन बहुत लेट लोग पहुँचते हैं, मैंने ये भी देखा है एम्स की लाइनों में जो वही लोग पहुँचते हैं जब बहुत हालत गंभीर हो जाती है। ऐसे में मेरा एक सवाल है, ग्रामीण क्षेत्रों में जब भी मैं गया हूँ जो बीहड़ इलाके हैं, जैसा आपने कहा कि बिल्लौर बीहड़ इलाका नहीं, इस तरीके की चीज़ें सामने आ रही, तो वहाँ पर मैंने देखा है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए हैं, डॉक्टर बैठते हैं जो कि लोगों को सिर्फ 1 या 2 रुपए की पर्ची पे इलाज किया जाता है, लेकिन फिर भी लोग झोला छाप डॉक्टर के पास जाते हैं। जब मैं उनसे मैंने पूछा कि आखिर क्या वजह है, तो बोलते नहीं वहाँ जाते हैं, पता नहीं आधी दवा बाहर मिलती है, लिख देते हैं, महंगी दवा लिखते हैं, डॉक्टर साहब के पास आते हैं, थोड़ा बुखार होता है, 10-20 रुपए 50 रुपए की दवा लिख देते हैं, खा लेते हैं, ठीक हो जाते हैं, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये भी एक लोगों में एक भ्रम फैला हुआ है कि साहब अगर आपको सही डॉक्टर ने देख लिया और परामर्श दे दिया, मान लीजिए उस स्वास्थ्य केंद्र पे वो दवा नहीं है उस दिन, तो अगर आप परामर्श सही आपको मिल जाए तो उसकी लोगों में कोई महत्वता नहीं दिख रही है, वो सोचते हैं कि हम वहाँ झोला छाप के पास चले जाएंगे। और ये इस वजह से बहुत मैंने देखा है, बीमारी बढ़ती है, उसका इलाज डिले होता है, उसमें देर होती है। हम बहुत पेशेंट्स बिहार से यूपी से आते हैं जो इस तरह के लोगों से इलाज महीनों महीनों कराते हैं, वहाँ पे भी पैसा खर्च होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता उनके पास, लेकिन उनको लगता है एक बार में 150 रुपए दिए और दवाई हमको शायद 100 रुपए की मिलेगी, उन्होंने कुछ पुड़िया भी दे दी। तो ये लोगों को भी समझना पड़ेगा कि अब एक छोटी से छोटी चीज़ के लिए भी, देखिए ये बड़ा अंतर मैं देख रहा हूँ आज कि हमारे जो गाँव के लोग हैं और शहरों में जो बसते हैं वो आज छोटी से छोटी चीज पे भी हमसे 10 प्रश्न करते हैं अस्पताल में आके। अब मैं तो एम्स में नहीं हूँ, बाहर प्राइवेट प्रैक्टिस में हूँ, तो कोई भी व्यक्ति अपना छोटे से छोटा ऑपरेशन कराने से पहले मुझसे कराने पहले से पहले भी सोचता है 10 बार और मुझसे 10 प्रश्न करता है वो।
तो लोगों को भी ये जागरूकता होनी चाहिए थोड़ा सा। और अब तो इतने लोगों के पास मोबाइल फोन है, गूगल है, उसकी एक्सेस है इंटरनेट की, वो पता कर सकते हैं कि ये दवाई क्या है, इससे क्या होता है। तो लोगों में भी ये जागरूकता का होना, केवल डॉक्टरों में या किसी भी व्यक्ति पे अंधविश्वास ना करें कि साहब जो उन्होंने कह दिया वो ठीक कह दिया। उसमें कहीं ना कहीं वो लोग भी अपना वेरिफिकेशन अगर करेंगे उस चीज का, तो मैं समझता हूँ इस समस्या से निकल सकते हैं। और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे जाएं, अगर डॉक्टर उपलब्ध है, नर्स उपलब्ध है, तो परामर्श तो उनको ठीक मिल जाएगा, चाहे दवा ना भी मिले। और यदि उनको जिला अस्पताल में रेफर करना है या मेडिकल कॉलेज में रेफर करना है, तो वो रेफरल टाइम से हो जाए। मान लीजिए बीमारी बढ़ी हुई भी है, तो आजकल रेफरल अगर लेट होता है, तो कई बार ये देखा गया है कि अगर ये बिल्कुल जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स नहीं है उनके पास जाते हैं, तो वो रेफरल में भी देर होती है और पेशेंट का, उसमें रोगी का नुकसान होता है। तो लोगों में जागरूकता, और ये आप कार्यक्रम कर रहे हैं, आपके माध्यम से भी मैं यही कहना चाहूंगा लोगों में कि आप गवर्नमेंट का जो सिस्टम है इतना खराब नहीं है जितना लोग समझते हैं उसको। मैंने भी काम किया है सरकारी क्षेत्र में और यूपी में भी देखा है, और अब तो काफी सुधार आया है स्वास्थ्य क्षेत्र में, और आगे भी आएगा बहुत सुधार। इतने मेडिकल कॉलेज बने हैं, कम से कम मेडिकल कॉलेज, इतने निजी मेडिकल कॉलेज हैं, अच्छी फैकल्टी है वहाँ पे, वहाँ क्यों नहीं लोग जाते हैं इलाज के लिए। थोड़ा खर्चा वहाँ जरूर थोड़ा होगा, लेकिन उसमें आपको इलाज तो सही मिल जाएगा कम से कम। अब इसमें क्वैक के पास आप चले गए, झोला छाप के पैसे भी खर्च हुए आपके और आपका नुकसान भी हुआ। लेकिन ये जो आंखों की रोशनी वाला मसला है, ये तो हम ये भी नहीं कह सकते वो झोला छाप, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो तो क्वालिफाइड MBBS है, MS है। तो इसमें थोड़ा विवरण देखना पड़ेगा कि क्या ये बचाया जा सकता था दृष्टि इन लोगों का, या इनकी जांच उस तरह से नहीं हुई जो आजकल। आप कभी गए हो अगर आंख के किसी का अपने बड़े का इलाज, लेकिन डॉक्टर साहब सवाल ये है ना, क्योंकि 6 लोगों की एक साथ हुआ ना, अगर कोई मतलब दिक्कत रही होगी, अगर ये डॉक्टर की तरफ से गलती नहीं, तो 6 लोगों की एक साथ आंखों का जाना, ये बड़ा सवाल खड़ा करता है ना। बिल्कुल, ये बिल्कुल, इसको इससे हम कोई भी सहमत होगा कि इसकी पूर्ण रूप से जांच होनी चाहिए। बिल्कुल, हमारे साथ संवाददाता रईस अलवी भी संभल से जुड़े हुए, उनसे भी जान लेते हैं। रईस, क्या संभल में स्थिति है, क्योंकि जिस तरीके से निजी अस्पतालों में इलाज चल रहा है, कई जगह इसको लेकर आरोप लगते आ रहे हैं कहीं पर कि ठीक से इलाज नहीं हुआ, कहीं पर गर्भवती महिलाओं की मौत का मामला सामने आया, बहुत सारे तमाम तरह की बातें आई हैं, तो इस पर भी मैं आपसे जानना चाहूंगा। लेकिन हमारे साथ अभी एक दर्शक जुड़ गए, पहले उनसे बात कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज इंडिया पर, अपनी प्रेम चेन्नई, आप अपनी राय रख सकते हैं। प्रेम नमस्कार सर। नमस्कार, मैं अभी डॉक्टर साहब की पूरी बातें सुन रहा था, ये बात कह रहे थे कि झोला छाप के पास स्कूल जाए या गवर्नमेंट का काम बहुत बढ़िया है। सर, गवर्नमेंट के हॉस्पिटलों में तो आपने दिखाया था कितने घूम रहे हैं और वहाँ पे डॉक्टर नहीं है, अवेलेबल नहीं है। रही बात थोड़े दिन पहले आपने प्लेटलेट्स की बात दिखाई थी, जिसमें आपने मुर्गी का रस डॉक्टरों ने चढ़ा दिया था। अभी सर यहाँ पे जो मुर्गिया बिल का किया है, तो आदमियों ने ये सोचा ना कि मोतिया बिंद का इसका लाल स्टेट पर मुफ्त में हो रहा है या जो भी हो रहा है, तो वहाँ पे जाए तो उनको थोड़ी पता था कि झोला छाप है। ये तो सरकार की जिम्मेदारी, हमसे इजाजत नहीं दी गई, तो वो फिर क्या चीज की राजनीति, क्या चीज का हिसाब वो चलाते हैं। उनको तो ये सोचना चाहिए वहाँ पे की कहाँ पे झोला छाप है या कहाँ पे गलत काम हो रहा है, वो तो उनको खुद को देखना चाहिए। बिल्कुल, ये सोचने की चीज है। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। और हम इसी चीज़ पर चर्चा कर रहे हैं कि अगर निजी अस्पताल में वो अपनी आंख का उपचार कराने गए थे, मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने गए थे, तो ऐसे में एक साथ 6 लोगों की आंख को खराब होना एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर इतने एक्सपर्ट डॉक्टर थे, अगर वो पढ़े लिखे शिक्षित हैं, डॉक्टरी पढ़ कर वो इलाज कर रहे हैं, अनुभवी हैं, तो इतने बड़े 6 लोगों की आंख कैसे खराब हो सकती है, क्या कमी रही है, यही इसी मुद्दे पर हम बात आज कर रहे हैं। और हमारे साथ रईस अलवी से हमारा सवाल था। रईस अलवी, संभल की क्या स्थिति है अभी, अगर बात करें स्वास्थ्य को लेकर? देखिए, बिल्कुल मैं बोलना चाहूंगा, अगर बात किया जनपद संभल की, तो जनपद संभल में लगातार जो है झोला छाप डॉक्टरों के बोलबाला यहाँ पर चला है। डेली कोई ना कोई जिसने किसी के यहाँ पर जो झोला छाप के डॉक्टर में मौत हो जाती है, और मौत का कारण सिर्फ डॉक्टरों की लापरवाही के कारण होती है, क्योंकि इतना शिक्षित आदमी नहीं है सभी डॉक्टरों के पास जाए, वो झोला छाप डॉक्टर के पास जाए और मौत
इतनी हो जाती है कि परिजनों में लगातार एक चीज बुखार हो जाती है, लगातार इतने अधिकारी अगर यहाँ पर बात किया संभल डीएम साहब की, तो डीएम साहब लगातार यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं कि स्वास्थ्य की ओर ध्यान दिया जा रहा है कि बेहतर स्वास्थ्य मिल सके, जैसे बच्चों को बेहतर इलाज मिल सके, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी है वो इसमें परिचय लगाने में लगे हुए हैं, वो इस तो नहीं चाहते कि स्वास्थ्य में बलदार आए सुधार आए, क्योंकि जब सिस्टम ये खराब है ऊपर से लेकर नीचे तक तो सुधार कहां से आए। बात किया अगर अस्पतालों की, तो अस्पतालों में डॉक्टर तो हैं लेकिन वहां का सिस्टम है वो कहीं ना कहीं फेल उठूल नजर आता है, कोई स्टेशन नहीं मिलता, किसी को बेड नहीं मिलता, किसी को वहां पर दवाई नहीं मिलती, किसी को इंजेक्शन नहीं मिलता, तो बहुत सारी समस्या स्वास्थ्य विभाग में आती है। इसलिए वो जो है जो मरीज होते हैं वो झोला छाप डॉक्टर के पास चले जाते हैं, जिस कारण उनकी मौत हो जाती है। अगर बात की जाए बड़े डॉक्टरों की, तो बड़े डॉक्टर की अगर बात किया तो बड़े डॉक्टरों के जाने के बाद जो मरीज होते हैं उनके पास इसलिए नहीं जा पाते क्योंकि उनकी जो फीस होती है वो कहीं ना कहीं बहुत सारी ज्यादा होती है। अगर पर्चे बनाने की अगर बात किया तो पर्चे बनाने में ही कम से कम 1,000 या 1,200 रुपये पर्चे बनाने लेते हैं, जो उनकी जो है वहां पर पीड़ित होता है, उनकी हालत खराब हो जाती है, वो दवाई गोली लेने में ले नहीं पाते, वो वापस वहां पर लौटना पड़ता है, इसलिए झोला छाप डॉक्टरों के पास उनको एक रास्ता चुनना पड़ता है जो वहां जाते हैं और उस कारण उनकी मौत हो जाती है। जी बिल्कुल, राहुल मिश्रा हमारे साथ प्रयागराज से जुड़े। राहुल, वहाँ की क्या स्थिति? अभी कुछ दिन पहले वहाँ पर एक मौसमी के जूस चढ़ाने का मामला भी आया था, उस पर भी कार्रवाई की गई थी मुझे याद है, तो वहाँ की क्या स्थिति है प्रयागराज की अगर बात करें? जी जी जी, बता दें प्रयागराज की दशा जो है, अभी कुछ दिन पहले मौसमी के प्लेटलेट चढ़ा करके एक्सपायर हुआ था अभी, और आपसे बता दें कि यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल तो ऐसे पनप रहे हैं जैसे कि घर के सामने बैठे हुए हैं, चले जाओ लेके चले जाओ। और ये ऐसा है, सरकारी हॉस्पिटल के सामने, जो सरकारी हॉस्पिटल है उसके सामने ही एक नहीं दो नहीं तीन तीन हॉस्पिटल हैं, और वहीं पे अभी कुछ दिन पहले वो तो मौसमी वाले के बाद भी अभी 17 तारीख की घटना घटी है, एक दो बच्चे पहले उसके थे और छोटे छोटे बच्चे थे क्या सुरिता हॉस्पिटल में, उसमें क्या हुआ कि ऑपरेशन करने के बाद डिलीवरी के दौरान उसके महिला की मृत्यु हो जाती है और उस तक आज तक कोई कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि गरीब आदमी ही सोचता है कि चले जाएंगे उनके किसी की लिंक से प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाएंगे, सस्ते में काम हो जाएगा, जैसे किसी जो लिंकेड है वो दरबार कर रहे हैं उनके यहाँ जाते आते हैं प्राइवेट हॉस्पिटलों में, तो उन्हीं के माध्यम से जाना पड़ता है, चले गए लेकिन चले आए। सरकारी हॉस्पिटल में क्या होता है, सरकारी हॉस्पिटल की दशा यह है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जितनी दवा लिखते हैं अपने आप देते हैं, उतने दवा प्राइवेट में जो छोटे छोटे स्वास्थ्य विभाग सामुदायिक केंद्र है आप वहां पे चले जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ सर्दी जुकाम बुखार की बहुत मुश्किल दवा मिलती है। ये बता दें यमुना पार का पिछड़ा इलाका है जहां पर 40 से 50 किलोमीटर के रेंज में जाना पड़ता है, यहां पे कोई सुविधा नहीं है, तो अभी मजबूरन अपनी चाहे जैसे कहते वो प्राइवेट में जाना चाहता है, प्राइवेट में जाकर के अपने इलाज करवाता है और वहां पे घटना घट जाती है तो क्या होता है, जांच हो रही है, जांच का सिर्फ वो देते हैं कि जांच हो रही है, जांच करते करते आदमी कितने दिन जाकर काटेगा, उसके बाद भूल जाता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और यही मामला ताजा ताजा अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले के न्यूज ने दिखाया था अपने दर्शकों को कि मौसमी का मामला था, उसमें अगर डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक एक्शन नहीं लेते तो सीएमओ ऑफिस से 5 किलोमीटर के रेंज में ऐसी घटना घटी है, जलवा में, प्रयागराज की जलवा में ऐसी घटना घटी, और उसके बाद क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, सब वो जो मौसमी बनाने वाले थे गए जेल, अब कुछ दिनों बेल आएंगे फिर कहीं और खोल के बैठ जाएंगे, ये ऐसा धंधा हो चुका है। अब जो सरकारी हॉस्पिटल है वहां दूर जाते हैं, वहां बेड की सुविधा नहीं होती, जैसे अब तो बड़ा जब से ब्रिजेश पाठक जी उप मुख्यमंत्री हुए और यहाँ प्रयागराज में आना जाना हो गया, आते जाते रहते हैं, इससे जो वहां शहर के इलाके के हैं वहां हॉस्पिटल में सरकारी हॉस्पिटल में साफ सफाई की व्यवस्था और वहां बेड वेड की व्यवस्था होने लगी है, लेकिन तब भी साहब अभी कहीं ना कहीं गड़बड़ है। अगर सिस्टम सुधारे तो जो प्राइवेट हॉस्पिटल 8वीं पास डॉक्टर बन जाता है, 8वीं पास सुई लगाता है, सिर्फ प्रैक्टिस करने से सुई लगाना चालू कर देता है, इसे कोई देखने वाला नहीं है, अगर सीएमओ ऑफिस में कंप्लेन बनती कंप्लेन करते हैं तो चले जाते हैं, 2 दिन बुलाए 2-3 चक्कर काटे फिर छोड़ देते हैं, ऐसे बिजनेस जो डॉक्टर है अभी कोविड में कमाए प्राइवेट हॉस्पिटल वाले, फिर डेंगू वाला डेंगू में खूब जितना कमा सके, जितने गरीबों को खून चूक सके, जितना पैसा पाए सब लेते गए, यहाँ पे लोग बाप बताए जेवरात अपना गहना बेच बेच करके हॉस्पिटलों में दिए हैं, तब भी उनके परिजन नहीं बचे हैं, तब भी उनसे पैकेज बना दिए हैं, जैसे एक तरह से आप बताने
कि जैसे कि आलू का रेट इतना है, चावल का रेट उतना है, ऐसे यहाँ पे पैकेज बना हुआ है। बिल्कुल 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 राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल राहुल आपसे जुड़ेंगे, राहुल आपसे जुड़ेंगे, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। मोहसिन खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं गोंडा से। मोहसिन, अगर बात करें गोंडा की क्या स्थिति है, वहां पर क्या, वहां पर झोला छाप डॉक्टरों की, निजी अस्पतालों की मनमानी देखने को मिल रही है, वहां पर भी लोगों की शिकायत है कि इलाज सही से नहीं हो रहा है। सरकारी अस्पतालों के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बात की जाए तो वहां पर क्या स्थिति देखने को मिल रही है? अनम्यूट कर लीजिए। मोहसिन खान, मेरी आवाज आ रही है आप तक? बिल्कुल बिल्कुल मोहसिन आपसे जुड़ेंगे। सभी लोग हमारे साथ बने रहिए राष्ट्रहित में। राष्ट्रहित में हम बात कर रहे हैं सरकारी इलाज सही हो रहा है या निजी अस्पतालों में जो लापरवाही देखने को मिल रही है, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। फिलहाल लौटेंगे इस ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। गुणवत्ता की बात चली है, एक नई शुरुआत मिली है, परिवर्तन को गले लगाकर अपनाएंगे जेड। प्रोडक्शन भरपूर बढ़ेगा, प्रॉफिट भी अब खूब चढ़ेगा, काम को नई दिशा दिखाकर अपनाएंगे जेड। चलो देश का रूप निखारें, पर्यावरण को हम ही संवारें, प्रदूषण से बचाने को अपनाएंगे जेड। आइए आज ही भारत सरकार के एमएसएमई मंत्रालय की जेड सर्टिफिकेशन स्कीम में रजिस्टर करें। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। अब जनता बोलेगी, सारी पोल खोलेगी, देखेंगे आपके वार्ड का विकास, क्या समस्याओं से मिली निजात, पब्लिक की पूरी हुई आस, मिस्टर पार्षद फेल हुए या पास। के न्यूज इंडिया पर देखिए वार्ड अदालत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद राष्ट्रहित में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कानपुर के बर्रा में आराध्या आई हॉस्पिटल में मोतियाबिंद के ऑपरेशन के दौरान 6 मरीजों की आंख खराब हो गई। आखिर ये किसकी लापरवाही है, क्योंकि एक साथ 6 लोगों की आंख चली जाना एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर इस अस्पताल में डॉक्टरों ने किस तरीके से इलाज किया। अगर ये क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, अगर इनको सब कुछ पता है, तो आखिर उन 6 लोगों की आंख कैसे गई। फिलहाल राष्ट्रहित में हमारे साथ पैनल में तमाम लोग मौजूद हैं। सोनू शर्मा कानपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राहुल मिश्रा हमारे साथ हैं, रईस अलवी हमारे साथ हैं, मोहसिन खान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर एम सी मिश्रा पूर्व निदेशक एम्स से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अमित पांडे संवाददाता रसूलाबाद से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम जाएंगे मोहसिन खान के पास। मोहसिन खान गोंडा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहसिन, अगर गोंडा की बात करें तो वहाँ पर क्या अभी स्थिति बनी हुई है, गोंडा में अभी स्वास्थ्य को लेकर क्या कुछ देखने को मिल रहा है, क्या वहाँ भी निजी अस्पतालों को मानक के विपरीत काम कर रहे हैं, क्या वहाँ पर भी डॉक्टरों की लापरवाही देखने को मिल रही है, अगर बात करें गोंडा की तो? जी, जैसा हम आपको बता दें कि यहाँ पे पैथोलॉजी के नाम पे यहाँ पे इतने सारे पैथोलॉजी गड़बड़ ज्यादा चल रहा है। जिस तरह से यहाँ पे कोई भी मरीज आता है, चाहे वो जिला अस्पताल हो चाहे वो महिला अस्पताल हो, यहाँ पे आता है, चंद पैसे उसके पास नहीं होते हैं, उसके नाम पर यहाँ पे कोई जांच लिख दिया जाता है, कोई यहाँ से ट्रांसफर जिला बड़े किसी अस्पताल में भेज दिया जाता है। सारी सुविधा आता है कि अस्पताल में उसको सारी सुविधा यहाँ पे मिलेगी, फिर उसको यहाँ से ट्रांसफर करके क्यों भेज दिया जाता है, सवाल ये उठता है। और इस सिलसिले में जब हमने आला अधिकारी से बात किया तो उन्होंने आला अधिकारी ने इसकी मुंह पे बंद कर दिया। बिल्कुल, राशिदा हमारे साथ एक दर्शक जुड़ी हुई है देहरादून से। राशिदा, आप अपनी राय रख सकती हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं ये कहना चाहती हूँ, प्लीज मैं कुछ हॉस्पिटलों का नाम भी लेना चाहती हूँ सर। पता है क्या है, रोशनी एक आँख की जो होती है, इंसान बिल्कुल खत्म है, क्योंकि हमारे परिवार में एक नन्हे बच्चे की आँख खराब कर दी गई है डॉक्टरों की वजह से।
दोनों आँखें अब उसकी खराब हो गई, लाचार हो गया। वो बहुत मासूम बच्चा है, माँ बेवा है, 6-7 बहन भाई है उसके। डॉक्टरों को नहीं पता चलता है कि जब वो किसी के दर्द देते हैं, किसी की नस काट देते हैं, किसी की गलत हड्डी जोड़ देते हैं, आजकल मुझे नहीं मालूम कितना पैसा लेते हैं मैं स्टूडेंट से। स्टूडेंट क्या है जा रहा है आजकल, जो मरीज है ना उसको स्टूडेंट के हवाले किया जा रहा है, उनसे करोड़ों करोड़ों रुपये लेके मरीजों को गाय भैंस की तरह उनके हवाले कर देते। कोई बात नहीं, आप पैसे लो, स्टूडेंट को सिखाओ, अपने पास खड़ा करके उनको ये बताओ बेटा ऐसे नहीं ऐसे होता है। इंद्रेस हॉस्पिटल में ऐसे ही, दून हॉस्पिटल में, कॉर्नेशन में हम बुखार के लिए गए थे, इसमें ऐसा इंजेक्शन लगा हुआ है, 2 महीने से जूझ रहे हैं हम उस बुखार से, वो हाथ की नस फूल रखी है, हम जा नहीं पा रहे क्योंकि हमारे हमें रोज बुखार चढ़ जाता, पता नहीं क्या क्या नस फूल रख। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ, हम आपको ऊपर ले वाले का दर्जा देते हैं, प्लीज जिंदगी से मत खेलो, किसी की आंखों की रोशनी ना छीनो, किसी की नशे ना काटो। जब आपके अपने बच्चे के साथ इस तरह का वेप होगा ना, या वो दर्द से गुजरेगा, तब आपको दूसरे की तकलीफ महसूस होगी। मेरे बेटे की भी नस काट दी थी, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, पता नहीं फिर अभी इसका हाथ अधूरे में क्या कर देंगे मेरे बेटे के साथ इंद्रेश हॉस्पिटल में। बिल्कुल बिल्कुल राशिदा जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात बताने के लिए, काफी दुखद बात है ये। मेरे साथ हमारे साथ डॉक्टर एमसी मिश्रा जी हैं, पूर्व निदेशक हैं। डॉक्टर साहब, सवाल यहाँ पर आपने सुना, एक दर्शक ने अपना दर्द बताया, और कहीं ना कहीं मैं एक बात और बताना चाहूँगा, ये प्रयागराज की घटना है, क्योंकि जो व्यक्ति है जिसकी आंख खराब हुई थी, मैंने उससे ये बात बोली कि आखिर मैं इस चीज़ पर बोलूँगा, तो वो मेरे हाथ जोड़ने लगा। उसने बोला नहीं भैया, हम नहीं चाहते, हम उनके पास दोबारा जाएंगे, अपना इलाज कराएंगे। उसकी एक कार्नियल बदलने की बात हुई थी और उसकी कार्नियल जो है वो ख़राब हो गई, उसकी आँख पूरी तरीके से ख़राब हो गई। वो डॉक्टर के पास गया, उस डॉक्टर ने उनसे क्या बोला कि ठीक है तुम्हारी आँख ठीक करेंगे, लेकिन उन्होंने ये बात भी बोली, उन्होंने बोला कि जो तुम्हारे पहले हमने कार्नियल लगाया था वो जो है वो वृद्ध आदमी की कार्नियल लगा दी गई थी, तो जब अब अगली बार जब कार्नियल लगाएंगे तो ठीक ठाक कार्नियल लगाएंगे। उसकी आँख में घाव हो गया, वो दौड़ता रहा भागता रहा, वो काफ़ी करीबी आदमी है मेरा, लेकिन उसने मुझसे हाथ जोड़ा कि नहीं नहीं मैं किसी के खिलाफ नहीं बोलना चाहता, चूंकि उन्होंने इलाज के लिए मुझे आश्वासन दिया है, तो इस वजह से मैं उन्हीं से इलाज कराना चाहूँगा, मैं नहीं चाहता कि किसी तरह की मतलब कोई बात आए। तो मैंने कहा भाई ये आपकी इच्छा है, आप जो जैसा समझते उचित करिए, लेकिन सवाल ये उठता है जैसे इन्होंने बोला कि एक तरफ स्टूडेंट को बैठा दिया जाता है, एक रिसर्च बना दिया जाता है कि ये आपका ये चीज़ें हैं, ठीक है आप सिखा रहे हैं, लेकिन उस दौरान जो गड़बड़ियां होती है उस पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बनारस का भी मामला है, मैं खुद पेशेंट रहा हूँ, मैं कहीं एक हॉस्पिटल में गया था, मुझे इस हॉस्पिटल का नाम नहीं याद आ रहा है, और जब मैं वहाँ पर गया और मुझे जब इंजेक्शन लगाया गया तो कुछ इस तरीके से इंजेक्शन लगाया जैसे किसी जानवर को लगाया जा रहा है। मैंने कहा भाई आप पहली बार लगाए, बोले मैं स्टूडेंट हूँ। मैंने कहा भैया स्टूडेंट है तो मेरे ऊपर सारा प्रयोग करेंगे क्या आप, तो सर इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये जो भी स्टूडेंट है पता नहीं वो नर्स ने लगाया था डॉक्टर ने लगाया था। सर कोई मेली थे वो? हाँ नर्स होंगे, नर्सिंग स्टूडेंट होंगे, तो नर्स कोई भी स्टूडेंट भी है तो ऐसे नहीं कि आप पहले से उनको सिखाया जाता है और सिखाया जाना चाहिए उसके बाद वो इंजेक्शन लगाएं, ऐसे थोड़ी है कि आप पहली बार आप आएंगे तो आपको इंजेक्शन पहली बार ही लगा देंगे। और उनकी कुछ ना कुछ तो अवश्य उसमें उनका ट्रेनिंग हुई होगी। दूसरा ये है कि अब ये कॉर्निया का जो आपने बताया कि जैसे इनसे रोगी से बात हुई थी आपकी कि कॉर्निया, तो हो सकता है इनको कॉर्नियल ओपेसिटी पहले से रही हो और फिर जब इन्होंने कुछ, हालांकि कॉर्निया ट्रांसप्लांट मुझे नहीं लगता इस छोटे से नर्सिंग होम में कॉर्निया ट्रांसप्लांट वो करते होंगे। नहीं सर, वो इलाहाबाद का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है वो। अच्छा, तो फिर अगर वहां होता है तो फिर कॉर्निया ट्रांसप्लांट तो सक्सेस भी हो सकता है, फेल भी हो सकता है और फिर दोबारा करना पड़ता है, उस रिजेक्शन भी हो जाता है, वो तो फिर दूसरा विषय हो जाता है उसका जी। और इलाहाबाद प्रयाग में जो मेडिकल कॉलेज है मोतीलाल नेहरू, उसमें भी अच्छी व्यवस्था है आँख के ट्रीटमेंट की, तो लोगों को वहां जाना चाहिए इसके बजाय कि ये किसी निजी नर्सिंग होम में जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं। जो जिन लोगों को भी समस्या है, तो कम से कम बहुत बार क्या होता है, मैं आपको बताऊं, एम्स में चूंकि कतार बहुत लंबी होती है तो बहुत सारे लोग केवल हमारे पास इसलिए आ जाते हैं कि हमसे जो परामर्श मिल जाए उनको, वो ईमानदारी से मिल जाए कि भाई इसमें ऑपरेशन की आवश्यकता है भी या नहीं है। तो उसके बाद वो कहते हैं कि हम इलाज तो हम निजी अस्पताल में कराएंगे,
तो ये भी एक समस्या है हमारे देश में, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में जैसे आप सर लाइनें बड़ी लगानी पड़ती है। आपने बात की ना मोतीलाल की, स्वरूप रानी हॉस्पिटल प्रयागराज की, वैसे बहुत सारे पेशेंट हैं जिनसे मेरी बात हुई है, उनको बड़ी लंबी कतारें लगानी पड़ती है, बड़ा समय लगता है, और उसमें अप्रोच वाले भी आके आ जाते हैं, वो पहले घुस जाते हैं, उनको मौका पहले मिल जाता है, आम आदमी को नहीं मिल पाता। आंखों देखी बात बता रहा हूँ सर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, मैं तो मान रहा हूँ, मैं तो इसी बात को तो कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग केवल परामर्श के लिए आ जाते हैं, फिर अगर वो वहां सरकारी लाइन में नहीं लगना चाहते तो फिर निजी क्षेत्र में जाके अपना ऑपरेशन वगैरह करा लेते हैं। एम्स में हमारे पास बहुत सारे लोग सिर्फ परामर्श के लिए आते हैं कि जो बताया गया है निजी क्षेत्र में क्या वो ठीक बताया गया है, अगर वहां पे भी हम कह देते हैं हाँ ये ठीक है तुम्हें ऑपरेशन की जरूरत है, तो वो कहते हैं ऑपरेशन तो हम निजी क्षेत्र में करा लेंगे, हम यहाँ कतार में नहीं लग सकते, हमारे पास समय नहीं है और हमें कराना है, हमें अपने कन्वीनियंस पे कराना है। तो ये भी आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि जो जितनी आवश्यकता है चाहे बिस्तर की हो, ओटी की हो और दूसरी सुविधाओं की हो, तो जितनी हमारे पास रोगी हैं सरकारी क्षेत्र में, अब एक बात मैं आपको बताऊं, एक कॉमन फ्रेज यूज होती है, अगर आप जाइए ये जो एसओचएम और फिकी हैं इनमें डिस्कशन होता है बहुत बार है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, तो वो कहते हैं 80% जो स्वास्थ्य क्षेत्र में सेवाएं दे रहे हैं वो निजी क्षेत्र दे रहा है और 20% सरकारी क्षेत्र दे रहा है। लेकिन जो मिसमैच है वो ये है कि जो 80% निजी क्षेत्र है उसमें कितने लोग पैसा खर्च कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, ये समस्या आती है। इसीलिए जो 20% सरकारी क्षेत्र है उस पे फिर पूरा बोझ पड़ता है, तो उससे समस्या फिर बिल्कुल समस्या पैदा होती है। डॉक्टर साहब आपके पास आएंगे, हमारे पास अभी एक दर्शक भी हमसे जुड़े हुए हैं, अगर दर्शक हमारे साथ हैं, नागेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज इंडिया में, अपनी राय रख सकते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। विजय जी, मैं हिमाचल प्रदेश के सरकाघाट मंडी से नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ। जी बोलिए। सर, ये बहुत ही गंभीर विषय पे आज आप चर्चा कर रहे हैं और डॉक्टर मिश्रा एक पहुंचे हुए डॉक्टर हैं पूरे देश के। मैं समझता हूँ कि डॉक्टर गुलेरिया जी से भी एक बार पहले डिस्कस हुई थी कोरोना काल में आपके दूरदर्शन न्यूज से। सर, ये जो हिमाचल प्रदेश की जो व्यक्तिगत समस्या मैं यहाँ पर की बता रहा हूँ, ये झोला छाप जो डॉक्टर हैं दूर दराज के क्षेत्रों में, जो सरकारी एमबीबीएस और जो कोई भी वहां पर प्राइवेट दुकान खोलने के लिए कोई एक्सपर्ट तैयार नहीं है, चाहे वो बाहर के देशों से एमबीबीएस करके आए हुए हैं, और यहाँ पर कोई डॉक्टर बंगाली, कोई डॉक्टर मद्रासी, यूं करके जो दूर दराज के हिमाचल के क्षेत्र है वहां तक उन्होंने पहुंच बना रखी है, और ये लोग ऐसे लोग हैं जिन्होंने की वहां पर एक किस्म का नेताओं को, वहां के लीडर्स को पता नहीं अब वो फ्री ट्रीटमेंट करते हैं क्या, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने एक वोट बैंक भी वहां पर बना दिया है मरीजों का, और वहां से वो जो हार्ट के या किडनी के या कुछ दूसरे जो मरीज होते हैं उनको प्राइवेट हॉस्पिटलों में भेजने के लिए उनको बाकायदा एक किट दिया जाता है, और लोगों को यहां तक मजबूर होना पड़ता है कि वो अपनी जगह जमीने रहन रख के कुर्की मतलब उनको लोन लेकर के अपने कमाऊ सदस्य को बाहर बचाने के लिए चाहे चंडीगढ़, शिमला या दूसरे अस्पतालों में पंजाब में भेज रहे हैं, तो इस बारे में बहुत गंभीरता से एक्शन लिया जाए। और अभी परसों ही नालागढ़ बद्दी में जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहां पर जाली दवाइयों की जो संभ्रांत जो कंपनियां हैं सिप्ला और दूसरी बड़ी बड़ी कंपनियां उनकी एक खेप मिली, तो ये जो नकली दवाइयां जो तैयार करके जो लाते हैं दिल्ली और दूसरे जगहों से, तो इस तरह से जो स्वास्थ्य व्यवस्था जो हिमाचल प्रदेश में जो पूरी तरह से डगमगा गई है इसके ऊपर पूरी तरह फोकस किया जाए, और डॉक्टर साहब तो मैं समझता हूँ कि IMA को या मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को इनको यहाँ पर इनके ऊपर झोला छाप डॉक्टरों को रोका जाए, इनके ऊपर छापे मारे जाए, अन्यथा ये तो लोगों को जो आप आयुष्मान और दूसरी जो सुविधाएं दे रहे हैं जो कि सिर्फ OPD पे नहीं मिलती, उसको हॉस्पिटल में अंदर एंट्री करना पड़ती है,
तो बहुत सारी ऐसी समस्या है जिनके ऊपर गंभीर जो चर्चा होनी बिल्कुल, चाहिए बिल्कुल होनी चाहिए। नागेंद्र बहुत 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 शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। हम आलोक त्रिपाठी जी के पास जाना चाहेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आलोक त्रिपाठी जी, नकली मेडिसिन की भी बात इन्होंने कही, हिमाचल में ऐसे मुद्दे हैं। अभी हम बात कर रहे हैं कि बर्रा में कानपुर के एक आंखों के ऑपरेशन के दौरान, मोतियाबंद के ऑपरेशन के दौरान 6 लोगों की आंख चली गई। एक बड़ा सवाल है कि जब क्वालिफाइड डॉक्टर थे, सब कुछ अच्छा था, तो एक साथ 6 लोगों की आंख कैसे खराब हो सकती है। और अगर बात करें अलग अलग जिलों से भी तस्वीर आ रही है, जहां पर कानपुर देहात में झोला छाप डॉक्टर ने गलत इंजेक्शन लगाया जिसकी वजह से एक छात्रा की मौत हो गई, ऐसी तमाम तस्वीरें हैं। तो क्या लगता है कि क्या लोग झोला छाप डॉक्टरों के पास चले जाते हैं अचानक में? क्या उनका सरकारी अस्पतालों और सरकारी डॉक्टरों से भरोसा उठ गया है? यहाँ पर यह सवाल मेरा है आपसे। देखिए, पहली चीज तो ये कि डॉक्टर को आज भी, पहले भी और आज भी धरती का भगवान था, तो जल्दी ही आरोप लगाना उचित नहीं, क्योंकि बहुत जिंदगी से निराश व्यक्ति भी वहां जाता है और आस लेकर के आता। पहली चीज तो झोला छाप अलग हो सकता है, डॉक्टर को झोला छाप नहीं। त्रिपाठी जी, सवाल यहाँ पर ये नहीं है, सवाल किसी के ऊपर किसी के ऊपर आरोप नहीं लग रहा है, लेकिन ये होता है कि 6 लोगों की एक साथ आंख कैसे जा सकती है, यहाँ पे तो सवाल उठेगा, आरोप भी लगेगा। अनम्यूट कर लीजिए आलोक त्रिपाठी जी। डॉक्टर नहीं है मेरे, जो वहां जो डिग्री डाले डॉक्टर है, तो वहां डिग्री, जहां जिसके पास डिग्री हो उसके पास अगर लापरवाही हुई है तो ये बड़ी लापरवाही। झोला छाप डॉक्टर एक अलग हो गया, तो ये कानपुर की घटना दूसरी घटना है जिसमें जिन लोगों की रोशनी चली जाना, उनको आजीवन हमेशा के लिए जो जिनकी रोशनी नहीं रहेगी, तो उनके ऊपर क्या बीत रही होगी ये वही जानते होंगे, उनके परिवार जानते होंगे। ये बहुत बड़ी घटना है, और ये क्यों हुई, किस स्तर से हुई, किस स्तर से लापरवाही हुई, इसकी जांच हो, और जो संबंधित डॉक्टर, संबंधित पैरामेडिकल स्टाफ, जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई हो, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि आज भी अस्पतालों में, बहुत बड़ी सरकारी अस्पतालों में पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा सुविधाएं, बहुत अच्छे डॉक्टर, बहुत जिम्मेदार डॉक्टर उपलब्ध हैं, लेकिन वहां इतनी भीड़ ज्यादा हो गई है कि हर आदमी को उचित नहीं लगता है, और वो लेकिन आलोक त्रिपाठी जी, मेरा मैं बता रहा हूँ आलोक त्रिपाठी जी, आलोक त्रिपाठी जी, बात एक दर्शक ने यह भी कही थी कि आयुष्मान के, आयुष्मान पर भी बात हुई थी, आयुष्मान से कहते हैं कि मरीजों को फ्री में इलाज मिलता है आयुष्मान कार्ड से। मैं आपको स्वरूप रानी हॉस्पिटल प्रयागराज की बात बता रहा हूँ, पिछले साल ही एक व्यक्ति के लिए मैं वहाँ लड़ा हूँ, और वहाँ पे कई ऐसे डॉक्टर हैं जो लड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं, ये मैं टीवी पे बोल रहा हूँ, वहाँ पे आप उनसे रिक्वेस्ट करने जाओ मैं क्या करूँ, बंद हो गया है, वो ढंग से बात नहीं करते, जवाब नहीं देते। मैं स्वरूप रानी हॉस्पिटल प्रयागराज की बात, बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात 101% सच है, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में इतना ज्यादा दबाव है, 10,000 मरीजों को देख रहे हैं एक एक अस्पतालों में डॉक्टर, तो ये दबाव है। लेकिन तो सर, दबाव जो जब ऊपर से कॉल आती है सारा दबाव घट जाता है, ये भी देखा है, जुगाड़ टेक्नोलॉजी जब लगती है ना तो सारा दबाव हट जाता है, ये भी देखा है मैंने, ये भी करके देखा है मैंने, इसलिए बोल रहा हूँ। मेरी बात खत्म हो जाए फिर आप बोले। तो आज अस्पतालों में दबाव बहुत है, ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी बहुत बड़ी संख्या में लोग जो झोला छाप डॉक्टर हैं उन्हीं से इलाज करा करके घर में बैठ जाते हैं, वो संबंधित अस्पतालों में या नहीं, जो सीएसटी है, पीएसटी है, जो जिला अस्पताल है वहां नहीं जाते हैं। तीसरी चीज, जो संबंधित डॉक्टर या प्रैक्टिस कर रहे हैं या हॉस्पिटल खोले हैं, उनका एक रजिस्ट्रेशन होता है क्लिनिक चलाने का, जो बहुत बड़ी संख्या में आपको, मुझे जो लगता है कि रजिस्ट्रेशन के बगैर लोगों ने अपनी अपनी दुकानें खोल रखी हैं और इलाज करते हैं, वो उनके पास डिग्रियां हैं, उनके पास लाइसेंस है कि नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मुझे याद आ रहा है कि सन 85 या 84 में जब लखनऊ में एसपीसीटी होते थे, बिजलाल जी जो आज राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने एक लखनऊ में अभियान चलाया था झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ, और जितने हर थाने में ये कह दिया गया था कि अपने अपने क्षेत्रों में इस तरह की जो क्लिनिकें खुली हुई है उनके खिलाफ अभियान चलाइए और उनको चेक करिए, ये इच्छा शक्ति थी उनकी उस दौरान, और उसमें एक बहुत बड़ा रैकेट निकल के आया था जो इस तरह के डॉक्टरों को क्लिनिक का फर्जी सर्टिफिकेट देता था, और जिसके संबंध दिल्ली से थे, मतलब मैं कहना नहीं चाहता हूं, उस समय इतना बड़ा बवाल हुआ था कि जो फोटोएं निकली थी उस मिस्टर कोई चौधरी संबंधित थे रानीगंज के, उनके यहाँ जो फोटो निकली थी उस समय के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के साथ की थी, वो लोगों को डिग्रियां देते थे, वो उनको रजिस्ट्रेशन देते थे,
मतलब एक बहुत बड़ा वो एक जाल बछा रखा था, उन्होंने फैला रखा था फर्जी झोला छाप डॉक्टरों का। तो आज भी इस तरह के अभियान की आवश्यकता है, जो जिस तरह क्लिनिकें खुल रही हैं जहां पे ट्रामा सेंटर लिखते हैं और ट्रामा जैसी कोई सुविधाएं नहीं है, तो उनके खिलाफ अभियान चलाना चाहिए। प्लस लोगों को भी जागरूक होना चाहिए कि सरकारी डॉक्टर, सरकारी क्लिनिक, सरकारी हॉस्पिटल में पहले प्राथमिकता दें, उसके बाद किसी झोला छाप। ठीक है आलोक त्रिपाठी जी, ठीक है, आपका कहना सही है। हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं, चंद्र प्रकाश है, अगर वो हमारे साथ अभी भी हैं तो वो अपनी राय रख सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि झोला छाप डॉक्टर के पास जाने के बनिस्पत आदमी को ये देखना चाहिए कि मैं किसी लायक डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। ज्यादातर लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, कारण क्या है कि वहाँ सब प्रकार की सुविधाएं होती हैं। पिछले साल 14 नवंबर को मेरी आंख का ऑपरेशन हुआ था और डॉक्टर ने 20 मिनट में ऑपरेशन कर दिया और उन्होंने कहा कि आप जो है दूसरी आंख का, आप जो मोतियाबिंद है उसका भी आप ऑपरेशन करा सकते हैं एक महीने बाद। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एम्स से वो डॉक्टर जो है उन्होंने अपना प्राइवेट क्लिनिक खोला और 15,000 रुपए लिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आपके पास अफोर्ड कर सकते हैं तो आप सरकारी अस्पताल की बजाय प्राइवेट में जाइए, वहाँ आपको सुविधा भी मिल रही है और आपको सुरक्षित भी है। आप आंख एक ऐसी चीज भगवान परमात्मा ने दी है जिस नेत्र ज्योति से इस संसार को आदमी देखता है, और यदि पैसा है और अफोर्ड कर सकते हैं तो मेरे राय में तो कोई गलत बात नहीं है प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्र प्रकाश जी अपनी राय रखने के लिए। हमारे साथ एक दर्शक और है, बलबीर जुड़ चुके हैं कानपुर से। बलबीर जी आप अपनी राय रख सकते हैं। नमस्कार। अभी तक बात आ रही थी झोला छाप और एक्सपर्ट डॉक्टर। पहली बात तो ये है कि भाई गलती एक्सपर्ट डॉक्टर से भी हुई, अगर एक्सपर्ट डॉक्टर थे और वहाँ मोतियाबिंद का ऑपरेशन वो असफल हो गया। जहाँ तक रही मरीज और डॉक्टर के बीच की बात, उसमें सबसे बड़ी बात है आपको सावधानी बरतना या दवाई का इस्तेमाल करना। अभी कोरोना काल में आपने देखा होगा कि आदमी एक दूसरे को हाथ मिलाने को तैयार नहीं था। इसके लिए चाहे मरीज हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे हमारा समाज हो, सबको अवेयरनेस होना पड़ेगा। और रही बात सरकारी अस्पताल की या सरकारी डॉक्टर की, वहाँ पे इतना वर्क लोड है, एक डॉक्टर 24 घंटे काम करता है। आपने मेडिकल कॉलेज का उदाहरण दिया, मैं मानता हूँ, लेकिन मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर 24 घंटे काम करता है, क्या वो इंसान नहीं है? क्या उसकी क्षमता कितनी है 1,000 मरीज देके? शासन की तरफ से कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि एक डॉक्टर के पास मरीज देखने की सीमा, समय सीमा होनी चाहिए कि वो कितनी मरीज देख सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया बलबीर जी अपनी राय रखने के लिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये 24 घंटे लगातार काम करना मुश्किल भरा पल है। हमारे एक बार राहुल मिश्रा का रुख करेंगे और उनको भी धन्यवाद कहेंगे। राहुल मिश्रा जी, अगर बात करें स्वरूप रानी हॉस्पिटल, मोतीलाल मेडिकल कॉलेज, तमाम तरीके के बेली में हॉस्पिटल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, क्या वहाँ पर लोगों को सही से इलाज मिल जाता है? क्या वहाँ पर जनता की शिकायत नहीं रहती है? क्या वहाँ की सारी चीज़ें दुरुस्त देखने को मिलती है, जिस वजह से लोगों को, अगर वो चीज़ें सही है तो फिर लोग निजी अस्पताल की तरफ क्यों जाते हैं? वहाँ के बारे में कुछ बताएं। अनम्यूट कर लीजिए राहुल मिश्रा। चाहे जो चाहे जहाँ की बता दें, अगर सरकारी हॉस्पिटल सही है, वहाँ सारी सुविधाएं हैं, मैं मानता हूँ सारी सुविधाएं अब होने लगी हैं, तो उनके सामने जो हॉस्पिटल खोल क्यों बैठते हैं, सबसे बड़ी बात यह है। दूसरी बात यह है सर, आपसे बता दें कि जो ये मेडिसिन की दवा, जो दवा बेचते हैं स्वरूप रानी के अंदर, आप गए होंगे तो उसके बाहर ही एक मेडिसिन प्राइवेट खोल के बैठा है बेचने के लिए, मेडिकल स्टोर खोल के बैठा है, क्यों बैठा है? और जो मजबूरी क्या होती है कि अगर वहां जाता है तो वहां दवा बाहर लिखते हैं, और प्राइवेटों में जाता है तो वहां पे क्या होता है, डॉक्टर की फीस 1,000-1,500 रुपए। अभी आपसे बता दें अनिल अग्रवाल है, वो खांसी के विशेष डॉक्टर है, वहां पे भीड़ लगती है, पहले 500 रुपए था, आज 800 रुपए कर दिए हैं, आज 5-7 दिन पहले की बात है, जबकि बहुत बड़े डॉक्टर हैं, बढ़िया डॉक्टर हैं, उनके यहाँ मजबूरन आदमी जाता है, जाकर के वहां से 3,000 रुपए दवा लेता है। वही दवा क्या होता है, सरकारी हॉस्पिटल में लिखा पड़ा जाता है, लिख के देते हैं, बाहर पर्ची लेके जाएगा, कमीशन बना रहेगा, शाम को पैसा लेके जाएगा, और ऐसे ऐसे कर करके डॉक्टर जो है अमीर होते रहते हैं, सरकार के पैसा खाते हैं, और सरकार के पैसा के बाद जो गरीब के पैसा खाते हो वो कमीशन रेट पे खाते हैं। इसके पहले आप अगर अभी किसी से कहवा दें स्वरूप रानी हॉस्पिटल के सामने जाके देखें, वहां पे एक क्या मेडिकल स्टोर है, क्यों है वो, उसके पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? इसका जवाब कोई देने वाला है? कोई नहीं देता, सब कहते ही है
तो मजबूरन आदमी सोचता है कि जितना हम प्राइवेट सरकारी लगाएंगे वो हम प्राइवेट लगा के काम करवा ले। प्राइवेट में डॉक्टर क्या लेता है, सिर्फ और सिर्फ फीस लेता है, बाहर के दवा लेके अपने आप दे देता है, उससे भरोसा होता है इसीलिए जाता है। गरीब आदमी क्या करे, वो जानता है कि वहां जाऊंगा सुविधा नहीं मिल पाएगी। पहले से सुविधा है जहां पे जिले पर है, प्रयागराज बहुत बड़ा है ये सब जानते हैं कि प्राइवेट बहुत बड़ा है, उसमें क्या छोटे छोटे हॉस्पिटल जो है क्या प्राइवेट हॉस्पिटल अमीर बन जाते, अमीर कैसे होते हैं जल्दी से, एक आईपीएस बन नहीं सकता जल्दी से, इतना अपनी सुविधा नहीं कर सकता। लेकिन एक डॉक्टर जो है अगर बढ़िया से काम कर दे, बढ़िया चलने लगा, तो उसके पास ज्यादा नहीं एक साल के अंदर फोर व्हीलर खड़ी हो जाती है, और वही झोला था डॉक्टर ऐसी गाड़ी चलता है, और जो गरीबों का गरीब जो है गरीब होता जाता है, इसका सवाब कौन बताएगा, आप बताएं इस चीज के लिए। अब मर जाता है चार दिन ताला मार के दूसरी जगह खोल लेते हैं, क्यों खोल लेता है, उसके ऊपर कार्रवाई हो ना, कार्रवाई एक आईपीएस अगर एक पुलिस वाला होता है उसके ऊपर। बिल्कुल राहुल, बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, तमाम बातें बताने के लिए। डॉक्टर एमसी मिश्रा के पास जाएंगे। डॉक्टर साहब एक सवाल यहां पर यह भी उठता है, चूंकि ये कोई कही बातें नहीं है, ये अनुभव की गई बातें हैं, और वो बात यह है कि जब एक देखिए हर कोई डॉक्टर सरकारी बनना चाहता है, हर किसी का सपना होता है, मेहनत करता है सरकारी डॉक्टर बनता है, लेकिन जब उनसे हम सरकारी अस्पताल मिलते हैं तो उनके पास समय का अभाव रहता है, लेकिन जब वही उनसे हम प्राइवेट तरीके से मिलते हैं तो अगर सरकारी में 100 लोग हैं और वहाँ 500 लोग हैं तो वहाँ बड़े कायदे से मिलते हैं, तो क्या पैसे का वजन बढ़ा देता है क्या व्यवहार को? नहीं बिल्कुल, ये तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो सरकारी संस्थानों में स्वास्थ्य के खासतौर से जहाँ पे आपको अगर ओपीडी में सुबह 9 बजे से 2 बजे तक 100 रोगियों को देखना है, वहाँ मैं जैसे अब निजी क्षेत्र में जाता हूँ वहाँ 5 ही रोगी होते हैं देखने के लिए, तो मेरे पास पूरा समय होता है उनको देने के लिए, 15 मिनट आधे घंटे 5 मिनट जैसी जिसकी समस्या है, कोई समय का अभाव नहीं होता है वहाँ पे। तो ये बिल्कुल आप ये बात से मैं सहमत हूँ, और ये बिल्कुल होता है कि समय का अभाव होता है, इसलिए हम लोग चाह के भी बहुत बार जितना बात करना चाहते हैं रोगी से नहीं कर पाते। लेकिन सवाल डॉक्टर साहब ये भी है ना कि जब डॉक्टर मैं बता रहा हूँ आपको कि जो सरकारी अस्पतालों में जिस चीज का इलाज नहीं होता उनको कहते हैं आप निजी में आ जाइएगा वहां पे आपका सारा काम हो जाएगा, तो सरकारी में अगर अफोर्ड करने के लिए नहीं है तो कहां से खर्चा करेगा वो, अपना जमीन बेचे घर बेचे, ये भी तो सवाल उठता है ना, क्योंकि सरकारी तरफ से वो मुहैया चीजें हैं वो क्वालिटी नहीं आ पाती, वो चीजें नहीं मुहैया हो पाती, ये आखिर क्यों हो रहा है ये सारी चीजें, तभी तो सरकारी अस्पतालों से लोगों का भरोसा उठ रहा है। नहीं, सरकारी अस्पताल से भरोसा नहीं उठना चाहिए, वो उनको फिर भी मैं कहता हूँ लोगों को इसकी मांग करनी चाहिए कि हम साहब यहीं कराएंगे इलाज। देखिए ये बहुत जल्दी लोग भी इसमें भ्रम में आ जाते हैं, वही डॉक्टर है अगर तो वो इलाज थोड़ी फर्क कर देगा, आप प्राइवेट में इलाज तो सेम है, अगर गॉलब्लैडर का ऑपरेशन होना है तो चाहे सरकारी अस्पताल में हो चाहे वो प्राइवेट में हो वही ऑपरेशन होगा। सर मैंने आपसे बताया ना, मैंने बताया आपको, जिक्र किया प्रयागराज स्वरूप रानी का, वहां पे डॉक्टर से रिक्वेस्ट करने जाओ कैसे बात करते हैं, कभी इसका मैं दिखा भी दूंगा, इस पे मैंने वीडियो भी बनाया है, वीडियो यूट्यूब पे डाला भी है, रानी में काम किया है जी, और ये अवस्था अगर ऐसी है तो उसको उचित स्तर पे इसको बात को लेना चाहिए, चाहे वहां पे सीओ क्या नाम है प्रिंसिपल से या मेडिकल सुपरिटेंडेंट से या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से या फिर जो हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, एमपीज हैं, एमएलए हैं, वो किसके लिए होते हैं, किस दिन के लिए होते हैं, वो उनको जाके लोगों को बताना चाहिए कि साहब देखिए हमको सुविधा नहीं मिल रही है। तो ये मैं कहता हूँ लोगों को ये शॉर्टकट ना देखें कि साहब झोला छाप के पास चले गए, थोड़ा सा इसमें मैं समझता हूँ प्रोएक्टिव होना चाहिए कुछ लोगों को। अब आपके सरपंच हैं गांव में, वहां पे एक एमएलए भी होगा कोई उस क्षेत्र का, एक कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी होगा उस क्षेत्र का, और फिर मीडिया को तो देख के सब वैसे ही सतर्क हो जाते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, एक सवाल यहां पर और भी है, चूंकि देखिए बात झोला छाप डॉक्टर की है तो लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा, अब इंटरनेट का जमाना हो गया, समय बदल गया, लोगों को भी जागरूक होना चाहिए कि उनको किस डॉक्टर के पास इलाज कराना है, तो ये भी जानना जरूरी है कि उनको कितनी जानकारी है, तो ऐसे झोला छाप डॉक्टरों के पास आप ना ही जाएं, क्योंकि थोड़े से पैसे के चक्कर में आप खुद की जिंदगी को दांव पे लगा देते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब एक सवाल मेरा यहाँ पर है कि निजी अस्पतालों पर कैसे भरोसा करें, क्योंकि जिस तरीके से निजी अस्पताल अलग अलग जगह पे खोल दिए गए, लोग इलाज कराने वहाँ पे चले जाते हैं, और देखिए 6-6 लोगों की आंखें जो है वो खराब हो गई, तो ऐसे में प्रश्न तो खड़ा होता है ना। बिल्कुल प्रश्न खड़ा होता है, और अगर 6 लोगों की आंख की रोशनी गई है तो वो प्रश्न तो खड़ा होगा, चाहे उसमें रिपोर्ट में निकल के आए कि उनकी आंखों की समस्या थी कुछ ऐसी जिस वजह से गई, लेकिन
इस पे पूरा ऑडिट होना चाहिए, पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए, और अगर कुछ बचाव हो सकता था तो उसके बचाव के उपाय भी होने चाहिए, और रोगियों को उचित उनको अपना उसका मुआवजा भी मिलना चाहिए अगर कुछ उसमें लापरवाही हुई है। तो मैं समझता हूं कि हमको हर तरह से इसको ठीक करना पड़ेगा, केवल इस बात से ही संतुष्टि नहीं करनी पड़ेगी कि डॉक्टर साहब मान लीजिए जेल भी चले गए लेकिन लोगों की रोशनी थोड़ी वापस आएगी उससे। तो इसलिए हमें यह भी देखना है कि उसका निराकरण हो और आगे किसी रोगी को उस तरह का नुकसान न हो, ये भी करना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ आज जो उत्तर प्रदेश में जिस तरह का प्रशासन है, शासन है योगी जी के नेतृत्व में, मैं समझता हूँ कि वो पूरी ईमानदारी से अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। अगर इस तरह की कुछ समस्या है तो उनके संज्ञान में भी ये लाया जाना चाहिए कम से कम, या अभी जैसे आपने प्रयाग से जो कह रहे थे कि वो जो डिप्टी सीएम है क्या नाम बता रहे थे उनका, और कि वो भी आगे जब से आए हैं तो थोड़ी सुधार हो गया है, ब्रजेश पाठक जी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी, ब्रजेश पाठक जी। तो देखिए ये जो हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है वो अपना जो जिम्मेदारी है उसको नहीं निभा रहे हैं, उनका काम है कि जाके देखें, लोगों से बातचीत करें अस्पताल में, लेकिन उसी से बहुत सुधार आ जाएगा क्योंकि वो फिर असेंबली में जाके प्रश्न उठा सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि आप चुने हुए नेता भी जब 5 साल बाद वोट मांगने आएंगे, बीच में पब्लिक भी भूल गई उनको और वो भी पब्लिक को भूल गए। तो एक व्यवस्था बनी हुई है, अगर उसका हम उपयोग नहीं करेंगे तो फिर कैसे बात बनेगी? सुधार तो सबको मिलके लाना पड़ेगा, जनता को, जनता के जो रिप्रेजेंट करते हैं उन लोगों को, और हम लोगों को सब मिलके करना पड़ेगा ये, और उसके लिए व्यवस्था है और उसको मैं समझता हूँ इसका संज्ञान लाना चाहिए, और मैं अपने स्तर पे इसको उनको जानकारी प्रदान कराऊंगा मुख्यमंत्री कार्यालय को, और कुछ ना कुछ इसमें जरूर निकल के आएगा कि कैसे इन चीजों को सुधार हो। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर एमसी मिश्रा जी, पूर्व निदेशक एम्स हमारे साथ, आलोक त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, समय का अभाव है। अमित पांडे जी, मोहसिन खान हमारे साथ जुड़े, रईस अलवी, राहुल मिश्रा प्रयागराज संवाददाता, सोनू शर्मा संवाददाता कानपुर। तो आज हम राष्ट्रहित में बात कर रहे थे कि निजी अस्पतालों में जिस तरीके से इलाज हुआ है, बर्रा के आराध्या आई हॉस्पिटल में जहां पर मोतियाबिंद के ऑपरेशन के दौरान 6 लोगों की आंख चली गई, वहीं पर कानपुर देहात में एक झोला छाप डॉक्टरों ने इंजेक्शन लगाया जिससे एक छात्रा की मौत हो गई। ऐसे में सवाल उठता है कि सिर्फ आपको जागरूक होने की जरूरत है, क्योंकि जागरूकता भी आपकी जान बचा सकती है, इसलिए आपको जागरूक होना है और झोला छाप डॉक्टर के पास नहीं जाना है और एक सही डॉक्टर के पास जाना है अपना इलाज कराने के लिए, ताकि जो जान का खतरा है ये ना रहे। ऐसे में किसी भी झोला छाप डॉक्टर के पास ना जाएं। और ऐसे में एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि उस हॉस्पिटल में, आराध्या हॉस्पिटल में, अगर 6 लोगों की मोतियाबिंद के ऑपरेशन के दौरान आँख खराब हो गई है, तो एक बड़ा सवाल है कि एक साथ 6 लोगों की आंख कैसे खराब हो सकती है, इस पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। अब ये जांच के बाद पता चलेगा कि आखिर क्या कुछ मामला सामने आता है। फिलहाल राष्ट्रहित में अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए के न्यूज इंडिया, नमस्कार। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है, जुबान एक हो तो दिल भी एक होनी चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। मस्त 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 में भी लज्जत है, बावर्ची की सोया बड़ी मस्त है। बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, इसमें है हाई प्रोटीन जो खाने को बनाए एक हेल्थी डाइट, और टेस्ट में बड़ी मस्त है। अब जनता बोलेगी, सारी पोल खोलेगी, देखेंगे आपके वार्ड का विकास, क्या समस्याओं से मिली निजात, पब्लिक की पूरी हुई आस, मिस्टर पार्षद फेल हुए या पास। के न्यूज इंडिया पर देखिए वार्ड अदालत। हम अपने